किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलती है, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समाइनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2021 के बारे में। ओके, यानी जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बिहार आईटीआई में आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 300 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके, यानी कि 50 क्वेश्चन रहता है आपसे मैथ से पूछा जाता है, और 50 क्वेश्चन रहता है आपको जनरल साइंस से, और 50 क्वेश्चन रहता है आपका जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज में जो रहता है आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से भी पूछा जाता है। ओके, अगर आप बिहार आईटीआई परीक्षा के सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आपको सिलेबस का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आईटीआई से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम दर्शाता है, यानी न्यूटन के प्रथम नियम जो है आपको गति का वो क्या दर्शाता है ये पूछा गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जड़त्व को दर्शाता है। न्यूटन का प्रथम जो नियम है वो आपको जड़त्व को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट जो है आपको किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा रॉकेट जो आपको रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपको परम शून्य ताप होता है, यानी परम शून्य ताप क्या होता है ये। तो याद रखिए परम शून्य ताप जो होता है आपको ये 0 केल्विन होता है। क्या होता है? 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है। ओके, इसका जो आपको क्वेश्चन का है जो आपको क्वेश्चन का PDF में मिल जाएगा। ओके, PDF अगर लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से एड होके PDF प्राप्त कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 1 लीटर का दरमियान 500 किलोग्राम है, लिफ्ट के केवल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर/सेकंड² के तुरंत से ऊपर की ओर जा रही है। ओके, यानी आपके एग्जाम में जो आपको आईटीआई का एग्जाम है उसमें आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का भी रहता है। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं क्या होता है। ये पूछा गया आपसे तनाव, यानी कि टेंशन क्या है इसके बारे में। तो याद रखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको ये क्या क्या दिया गया ये लिख लीजिए आप। दरमियान, यानी दरमियान क्या दिया, एम का मान कितना दिया है, एम का मान दिया आपको 500 किलोग्राम। ओके, 500 kg दिया गया है। ओके, और त्वरण यानी 2 मीटर/सेकंड² त्वरण से, यानी कि एक्सेलरेशन क्या दिया, ए बराबर दिया आपको 2 मीटर/सेकंड² दिया गया। ओके, यानी क्या पूछ रहा है, पूछ रहा आपसे तनाव, यानी तनाव क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। याद रखिएगा तनाव जो बराबर होता है टेंशन बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है आपसे, ये होता है आपको MA + MG होता है। क्या होता है, MA + MG होता है। ओके, MM दोनों में है तो M क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा A + G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A + G हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा आपको M × A + G हो जाएगा। ओके, तो M का मान कितना दिया गया है, M का मान दिया गया आपको 500 दिया गया है। ओके, और A का मान कितना दिया गया, A का मान दिया गया आपको 2, और G का मान नहीं दिया है, तो G का मान 9.8 लेंगे। क्या लेंगे, 9.8 मीटर/सेकंड² लेंगे, तो 9.8 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा आपको 500 × 11.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 × 11.8 हो जाएगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5900 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 5900 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टी बराबर MA + MG, टेंशन बराबर होता है MA + MG, यानी कि M दोनों में है तो आप M कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A + G हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। M का मान दिया है 500 रख देंगे, और A का मान क्या है 2 दिया गया, तो 2 रखेंगे, और G का मान क्या होता है 9.8 होता है, 9.8 रखेंगे, तो 500 × 11.8 होगा, जिसको आप गुना कीजिए तो 5900 न्यूटन आ जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपसे, जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी की ओर निर्देशित होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तब यह उदासीन बिंदु होंगे। तो उदासीन बिंदु तब जो होगा आपको चुंबकीय अक्ष पर होगा। क्या होगा, चुंबकीय अक्ष पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का
अमरता क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या तो 1.5 है तो इसका हो जाएगा उल्टा, यानी सापेक्ष वायु को अपमर्दन हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। 1.5 है तो 1/1.5 हो जाएगा। ओके, इसको जब पॉइंट उड़ेगा तो क्या 0 जाएगा ऊपर, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 15 यानी 2/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ओके, याद रखिएगा कि कांच का अपमर्दन दिया 1/5 और तो कांच के सापेक्ष जो पूछा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, चलिए यानी कि 2/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। याद रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को जो कहते हैं वो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा रंग है जो परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा बैंगनी का जो है आपको परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे +4D क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, यानी फोकस दूरी बराबर जो होता है आपको 1/1/D होता है। क्या होता है? 1/डायोप्टर होता है। ओके, तो अब बराबर क्या दिया गया आपको, यानी कि डायोप्टर दिया गया या क्षमता दिया गया फोकस दूरी, तो 1/ क्या हो जाएगा 4D हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 1/F बराबर होता है 1/D होता है, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, यानी 4 से आप जो भागा दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा 0.25 आ गया आपको मीटर। ओके, यानी प्लस में दिया है तो प्लस वाला ऑप्शन होगा। ओके, अगर माइनस में आता तो माइनस वाला ऑप्शन होता है। ओके, तो कन्फ्यूज नहीं होगा, माइनस प्लस में प्लस दिया है तो इसलिए प्लस होगा, तो 0.25 मीटर हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है, यानी अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन कैसा होता है, ये पूछा गया। याद रखिए एक से कम होता है। क्या होता है? एक से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है आपको केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर क्या होता है? केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है। ओके, यानी दोनों से कोई देगा ऑप्शन तो आप टिक कर सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे किसी वस्तु का जड़त निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु का जड़त जो है वो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा किसी वस्तु का जड़त जो निर्भर करता है ये आपको वस्तु के दरमियान पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम दरमियान की किसी वस्तु का 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगा, तो वो गति क्या करेगा 1 मीटर बाय स्क्वायर त्वरण से करेगा। ओके, यानी कि आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला जानते होंगे एफ बराबर क्या होता है एम ए होता है, एम ए होता है। ओके, क्या पूछ रहा है? त्वरण, यानी दे दिया गया आपको 1 किलोग्राम मास दे दिया गया और न्यूटन दे यानी बल दे दिया गया, तो आपसे क्या त्वरण पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपसे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा एफ बाय एम हो जाएगा। इधर लाइएगा तो एफ बाय एम हो जाएगा, यानी कि न्यूटन क्या दिया है बल दिया गया 1 न्यूटन और दरमियान क्या दिया 1 दिया, तो 1/1 क्या हो जाएगा त्वरण होगा 1 ही होगा, तो 1 त्वरण हो जाएगा। क्या होगा 1 त्वरण, यानी कि 1 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी का अर्थ होता है, यानी जी का क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा जी का अर्थ जो होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण होता है, यानी कि ये स्मॉल जी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर कैपिटल जी देता तो कैपिटल जी का जो अर्थ होता है आपको कैपिटल जी क्या होता है, ये कैपिटल जी का अर्थ अलग हो जाता है। ओके, कैपिटल जी का अर्थ होता है स्वार्त्रिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता है। ओके, और जी का जो मान होता है कैपिटल जी का जो मान होता है आपको ये होता है 6.734 और गुना 10^-11 होता है। ओके, यानी कि 11 होता है केजी और क्या होता है आपको हो जाता है आपको न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी होता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है, यानी डैश को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है, यानी कि आपको हाइड्रोजन को छोड़कर सभी में क्या पाया जाता है न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटोन की खोज किसने की, यानी कि फाइनली आपसे पूछा गया कि प्रोटोन की खोज किसने की थी। याद रखिए प्रोटोन की जो खोज की जाती है आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है, यानी दो परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध बनता है ये किसके द्वारा बनता है, ये पूछा गया। याद रखिए कि आपको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ही बनता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को जब साझेदारी करता है तो ये आपको सहसंयोजक बंध बनता है। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संकरण में होता है, यानी संकरण में क्या होता है ये पूछा गया। याद रखिए संकरण में परमाणु कक्षकों का योग होता है, क्या होता है परमाणु कक्षकों का योग होता है संकरण में। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, यानी द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता, यानी कि द्रवित अवस्था में जो आपको C6H6 का जो है आपको हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। ओके, हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। दूध है, यानी दूध क्या ये पूछा गया आपसे। याद रखिए दूध जो आपको है ये आपको जल में परिक्षिप्त वसा है, क्या है दूध है जल में परिक्षिप्त वसा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ओके, आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, अगर मैथ का क्लास आप चाहते हैं कि मैथ का क्लास भी हो आपको ITI का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि मैथ का क्लास अगर शुरू किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ओके, और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे, वीडियो के बारे में क्या रहा है आपका जरूर दे। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।